क्या बात है, आज कुछ थके थके से लग रहे हैं। वॉक भी आपने सही तरह नहीं की, खैरियत तो है? अरे कुछ नहीं यार, ऑफिस में आज काम बहुत था। उनके ऑफिस में तो काम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप उबैद को अपने साथ ऑफिस में क्यों नहीं लगा लेते? इस तरह वो काम भी सीख जाएगा और अकेले कब तक आप सारे काम संभालेंगे? अरे नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि उबैद भी मेरी तरह अपनी जिम्मेदारियों में फंस के जिंदगी को एंजॉय ना कर सके। यूं भी उससे अभी बहुत पढ़ना है। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे करे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जूस लेना, जूस तो पिए, तेरा सांस काबू में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है हीरो, ये मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? सब ठीक तो है? मुझे एक बात बताएं अम्मी, आखिर ये ताईजान का मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? क्या हो गया? भाभी ने फिर कुछ कह दिया? उनके कुछ कहने की जरूरत है? उनका बिहेवियर ही काफी है। मुझसे इतना रूडली बात करती हैं जैसे मैंने उनसे कोई कर्ज ले रखा। भाई वो ऐसा कहती है तो तुम ही याद करो, शायद कभी कोई कर्ज लेकर भूल गए हो तुम। पापा मुझ पर अभी इतना बुरा टाइम नहीं आया कि मैं उनसे कर्ज लूं। लेकिन देखें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जरूर, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। अम्मी बचपन से वो इसी तरह से करती आ रही है, कोई बात जरूर है। अरे नहीं उबैद, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। भाभी के बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, हम साथ बैठ के खाना खाते। उठो। ठीक है। चाय ले आओ। आ गई। एक तो गैस इतना कम आ रहा था, चाय बनने में देर हो गई। ले गरम गरम चाय, ये तुम्हें दो। थैंक यू। अच्छा शाम को जरा जल्दी घर आ जाइएगा। तबसुम आपा बता रही थी कि लॉन के बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हैं, मुझे शॉपिंग पे तो लेके चलिएगा। नहीं बाबा नहीं, तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना मेरे बस की बात नहीं। एक तो तुम देर इतना लगाती हो, दूसरे आज शाम को मेरे एक क्लाइंट से मीटिंग भी है, तुम उबैद के साथ चलिए। कितनी गलत बात है बाबा, आपकी वाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, लेकर जाइए ना शॉपिंग। आपकी भी अम्मा है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये औरतों वाले काम नहीं होते हो मुझसे, तुम ले जाना। मेरी कंबाइन स्टडीज है, मैंने वहां पर जाना है। क्यों अम्मी? अच्छा आप दोनों तो रहने ही दें, मुझे भी आप दोनों के साथ शॉपिंग पे नहीं जाना। बिला वजह बहस किए जा रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि घर में एक बहू लेकर आए, हम सास बहू होंगे तो साथ में शॉपिंग पे जाएंगे, घर के काम निपटाएंगे, लेकिन आप लोगों को तो मेरी फिक्र ही नहीं ना। अरे मैंने कब मना किया भाई, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, पूछ लो इससे। अगर इससे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना तुम अपनी मर्जी से कोई देख लो। हाँ हीरो बताओ, कोई लड़की पसंद है? अभी भी चांस है तुम्हें। तुम हंस क्यों रहे हो, मजाक थोड़ी कर रही हूँ? वरना मैं शबाना बाजी को कहूंगी, उसके पास बहुत सी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें, कोई ना कोई लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हैं? एक दो मेरे लिए भी जरा। मैं उबैद की बात कर रही हूँ, ये आपके दिल में क्यों लड्डू फूट रहे हैं? अच्छा भाई तुम भी बता दो को पसंद है तो। जी पसंद है। क्या? तो फिर बताओ। अल्लाह हाफिज़ चाचू चाची। अरे तुम नाश्ता तो करके जाओ। नहीं चाची, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, अम्मी ने मुझे पराठा बना कर दिया था, मैं बस जा रही हूँ, मेरी बहन आ गई है। खुदा हाफिज़। ख्याल से बेटा, अल्लाह की हिफाजत। बात तो वहीं रह गई, बताओ कौन है लड़की? यही चुड़ैल है जो मुझे पसंद है। क्या ये अंबर? अंबर आ जाएं। क्या कर रही है भाभी? मेडिसिन ढूंढ रही थी, लग रहा है बुखार हो रहा है। ओ आए बैठे, सब खैरियत है? हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले तबसुम आपा का फोन आया था,
वो तो आपसे सख्त नाराज है, क्या हुआ है? तो बस मापा तो हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, उनको मुझसे यही गिला है कि मैं उनके घर नहीं जाती। तुम तो जानती हो जायरा कितनी मसरूफ लाइफ है हमारी, वक्त ही कहाँ मिलता है। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अब देखिए ना, बच्चे हमारे देखते ही देखते बड़े हो गए माशाल्लाह, और पता भी नहीं चला। इंशाल्लाह अगले साल तक अंबर की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। आपने क्या सोचा है अंबर के बारे में? सायरा सोचना क्या, बेटी की माँ हूँ, अब तो हर वक्त मुझे अंबर की शादी की फिक्र लगी रहती है। ईमन और अंबर एक ही उम्र की हैं, मैरीन ने ईमन का निकाह भी कर दिया, माशाल्लाह से अगले साल उसकी रुख्सती भी हो जाएगी। सायरा, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। भाभी, मैं यही बात करने आपके पास आई हूँ। देखिए ना, इंशाल्लाह अगले साल तक उबैद की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और जॉब भी उसे मिल जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उबैद के लिए अंबर का रिश्ता। सायरा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? उबैद के बारे में सब कुछ जानते बूझते हुए तुम मेरी बेटी का उसके लिए रिश्ता मांगने आ गई? भाभी, उबैद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, हर रिश्ते में मुखलिस है, सबकी इज्जत करता है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो जिंदगी में कभी अंबर को कोई तकलीफ नहीं देगा, हमेशा उसे खुश रखेगा। बस सायरा बस, मैंने जो कहना था मैं कह चुकी, मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। सायरा, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, बेहतर यही होगा कि मेरे कमरे से चली जाऊं।